अनुज आपके पास आना चाहेंगे और गोल्ड पर राय लेंगे, क्या लग रहा है आपको, व्यू क्या शेयर करेंगे? क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस वक्त फिलहाल ग्लोबल संकेत तो कुछ ज्यादा बड़े है नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेड सुझाएंगे आप सोने में? गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि गोल्ड का जो प्राइस था वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, हालांकि लोअर लेवल से लास्ट ट्रेडिंग डे एक रिकवरी देखने को मिली थी। जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल का टेंशन दोबारा से एस्केलेट होता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि एक बाउंस बैक गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी जो है गोल्ड में देखी जा सकती है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों में गिरावट देखने को मिली है, बट उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है अभी यहाँ पर एक साइडवेज टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकती है। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट उसके बावजूद हमें लगता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक जो है गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो गोल्ड में करीबन 56,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 55,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 56,500 तक हो सकता है। सिल्वर में वहीं अगर 65,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 64,450 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 65,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,850-1,855 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी करीबन 22 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल का टेंशन एस्केलेट हुआ है, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमने डॉलर इंडेक्स में देखा है, और फ्रेश एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड में जो खरीदारी देखी गई है वो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं।